हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितेश अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द हिंदू एनालिसिस फॉर दिस वीक नवंबर 8 to 12। विल टॉक अबाउट द इवेंट्स व्हिच ट्रांसपायर्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। लेट्स लुक एट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी फॉर टुडे। ओके, यू वुड हैव नोटिस दिस, यूनियन कैबिनेट ब्रिंग्स बैक MPLAD स्कीम। नाउ व्हाट इज MPLAD स्कीम? इट इज़ बेसिकली अ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसे कोविड के दौरान सस्पेंड कर दिया गया था 2020 में। एज यू कैन सी, इट वाज सस्पेंडेड इन अप्रैल 2020 और 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। और उस दौरान ये डिसीजन लिया गया था कि MP लोकल एरिया डेवलपमेंट के तहत जो फंड्स MPs को मिलते हैं वो फंड्स इंस्टेड चले जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ओवरऑल लगभग 8,000 करोड़ जो उनको मिलने वाले थे, दे विल गो टू द कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन फाइटिंग द पैंडेमिक। ठीक है, अब 2 साल कंप्लीट होने से पहले, क्योंकि कोविड के केसेस गिर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट ने उसका पार्शियल रोल बैक कर दिया है। पार्शियल रोल बैक क्या कर दिया है कि नाउ वी कैन स्टार्ट द स्कीम, बट पहले हर MP को 5 करोड़ रुपए मिल रहे थे, इंस्टेड अब 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस दैट दे हैव मेड। द स्कीम वॉज सस्पेंडेड फॉर 2 financial years इनिशियली 2020-21 and 2021-22, बट बिफोर the closing of this financial year we announced a partial rollback, but we are giving rupees 2 crore instead of annual approved 5 crores। ठीक है, अब ये स्कीम का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, अपन ने न्यूज पढ़ी कि MPLAD स्कीम का पार्शियल रोल बैक हो गया है। ठीक है, बट स्कीम का बैकग्राउंड क्या है? 93 में स्कीम शुरू की गई थी इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, बट 94 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MoSPI जिसे हम कहते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसा हमने कहा कि हर MP को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, अगर वो लोकसभा MP है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के थ्रू ये काम करवा सकता है, 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स करवा सकता है। और अगर राज्यसभा MP है तो वो जहाँ से भी जिस भी स्टेट से आया है, राज्यसभा MP हैव टू स्टेट इन द स्टेट दैट इज़ इलेक्टेड देम टू द हाउस। लेकिन अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे इलेक्टेड मेंबर्स की जो लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्ट होकर के आए हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हैं, वो एनीवेयर इन इंडिया ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करवा सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क्स एनीवेयर इन द कंट्री अंडर द स्कीम। ठीक है, अब ऑपोजिशन इसे क्रिटिसाइज कर रहा है रोल बैक को। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा है कि जो पैसा MPs को नहीं दिया गया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में काम में लिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल कोविड से लड़ने में कहां कहां किया गया, कैसे कैसे किया गया, ऐसा गवर्नमेंट ने कहीं बताया नहीं है। सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ओवर इट। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी अफगानिस्तान को लेकर के। देखो, इन दिनों ना अफगानिस्तान को लेकर के बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमने अक्टूबर के महीने में भी बात की थी मॉस्को फॉर्मेट मीट की, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। फिर UN ने एक फंड, अपना स्पेशल फंड पीपल्स फंड अफगानिस्तान के लिए क्रिएट किया था। यूरोपियन यूनियन और USA की मीटिंग हुई थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन ने एड डिक्लेयर की थी। उसके अलावा आपके ट्रॉयका प्लस मीटिंग अभी हुई थी, फिर ईरान ने एक मीटिंग होस्ट की थी। ठीक है, तो बहुत सारी मीटिंग्स अफगानिस्तान को लेकर के हो रही है, देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटीज सराउंडिंग दैट। उसी को लेकर के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की भी मीटिंग हुई, ठीक है, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी। इस मीटिंग में आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, जो अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, फिर रशिया था, ईरान था, और ऑब्वियसली इंडिया तो था ही। अच्छा, 2 नोटेबल कंट्रीज़ जो नहीं थी वो थी पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान ने आउटराइट डिनाई कर दिया, हमें इंडिया से कोई लेना देना है ही नहीं। और चाइना ने लॉजिस्टिकल कंसर्न्स बताए थे, क्योंकि उनकी प्लेनम, जिसके बारे में हम आप बात भी करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीटिंग थी प्लेनम, तो इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है NSA वाला, ये ईरान ने इनिशिएट किया था 2018 में, इस बार 3rd सेशन था। ठीक है, जैसा मैंने बताया, पाकिस्तान और चाइना इसे अटेंड नहीं कर पाए अपने अपने कंसर्न्स की वजह से। अच्छा, देखो, डिक्लेरेशन साइन क्या हुआ, मोटा मोटी वही बातें जो हमेशा हम करते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, काउंटर टेररिज्म, टेरर को एज अ यू नो, इट शुड नॉट एक्ट एज अ टेरर हब, अफगानिस्तान शुड नॉट एक्ट एज अ टेरर हब। उसके अलावा जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि अफगानिस्तान तक फंड्स नहीं पहुँच रहे, तो आम जनता के हालात बहुत ख़राब हैं, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने के बारे में बात की गई। अच्छा, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शुगर केन, कॉटन और जूट फार्मर्स को उन्होंने इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए, हेल्प प्रोवाइड की। कैसे?
देखो शुगर केन जूस से एथेनॉल बनता है और एथेनॉल को फ्यूल के साथ मिक्स किया जा सकता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बेसिकली एथेनॉल का प्राइस बढ़ा दिया है, प्राइस ऑफ एथेनॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन जूस फॉर ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ठीक है, तो ये जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो बेसिकली एथेनॉल को ब्लेंड करती है पेट्रोल के साथ, उनको अल्टीमेटली शुगर डिस्टिलरी से ये खरीदना होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइस पे। तो उसे 60 तकरीबन 80 पैसा का हाइक दे करके 63.45 का प्राइस उसमें दे दिया। तो एक तो शुगर केन फार्मर्स को ये इंसेंटिव दिया गया, फिर कॉटन फार्मर्स को भी एक पैकेज दिया गया, तकरीबन 17,408 करोड़ गवर्नमेंट देगी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। अब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है MSP पे खरीदना, तो जब भी मार्केट प्राइस जो है वो MSP से कम चला जाता है तो MSP पे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स से ख़रीदना होता है उसे, और वो पिछले कुछ सालों से ऐसा नहीं कर पाया था। तो उसके लॉस को रिकवर करने के लिए बेसिकली 17,408 करोड़ रुपए का पैकेज गवर्नमेंट ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया है। फिर जूट के लिए भी गवर्नमेंट ने जूट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया कि 100% ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनकी पैकिंग जूट बैग्स में होनी चाहिए, और 20% ऑफ शुगर यानी चीनी का भी 20% पैकिंग जो है वो जूट बैग्स में होनी चाहिए, ताकि जूट की खपत बढ़े, जूट का प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई सब कुछ बढ़े। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किए। अच्छा देखो, अब ये दुबई एयर शो के बारे में एक न्यूज़ आई थी कि दुबई एयर शो होने वाला है, और दुबई एयर शो वहाँ के अल मकतूम एयरपोर्ट पे होने वाला है, और उसमें इंडिया की तरफ से कुछ पार्टिसिपेशन है। जैसे हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सारंग हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम भी वहाँ पर परफॉर्म करेगी। तो दुबई एयर शो से जुड़ा हुआ भी एक अपडेट आया था, नवंबर 14-18 के बीच में ये एयर शो होगा। देखो नेपाल के जो आर्मी चीफ थे उनको हमने ऑनरेरी जनरल रैंक से अवार्ड किया। ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रेडिशन है जहां हम एक दूसरे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सम्मानित करते हैं, और जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं जनरल प्रभुराम शर्मा, उन्हें हमने ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल के अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। और उन्होंने इस अवसर पे ये भी बोला कि नेपाल में एक सेपरेट नेपाल डिफेंस एकेडमी जो है, नेपाल का सेपरेट डिफेंस कॉलेज भी बनेगा। ठीक है, सो ये बेसिकली एक और अपडेट नेपाल के साइड से था। अब स्वीडन के बारे में बात करते हैं। देखो स्वीडन में जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टेवन लोफवेन, इन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ द पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स, तो पहले वो उस पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया था उन्होंने, और अब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से भी रेजिग्नेशन दे दिया गया है। और जो सोशल डेमोक्रेट्स के करंट पार्टी लीडर हैं मैगडलेना एंडरसन जो हैं, शी स्लेटेड टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन जब तक वो बन नहीं जाती तब तक केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड यही रहेंगे। तो स्टीवन लोफवेन ही वॉज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर सिंस 2014 एंड नाउ ही हैज टेंटर्ड रेजिग्नेशन आफ्टर ऑलमोस्ट 6-7 years ऑफ बींग यू नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट अपडेट। देखो आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा कि पोलैंड और बेलारूस के बीच में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये इशू नहीं भी समझ में आया। ठीक है, देखो हो क्या रहा है कि पोलैंड के बॉर्डर पर बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं वाया बेलारूस, और बेलारूस और पोलैंड इज़ बेसिकली फाइटिंग विद द माइग्रेंट इन्फ्लक्स। और पोलैंड का आरोप ये है कि बेलारूस और रशिया बेसिकली ये माइग्रेंट्स को ल्योर करके अपने बॉर्डर्स के थ्रू इन लोगों को एंट्री देके पोलैंड तक का रास्ता दे रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाई दे आर डूइंग इट, बिकॉज पोलैंड सेज दैट दे वांट टू डिस्टेबलाइज द यूरोपियन यूनियन ब्लॉक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पे सैंक्शंस लगाए थे। बेलारूस के जो लीडर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने अपने ऑपोजिशन पे जो क्रैकडाउन किया था उसके अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन ने उन पे सैंक्शंस लगाए थे। एंड पोलैंड इज सेइंग बेसिकली दैट टू बेसिकली एवेंज दैट द बेलारूसियन लीडर्स इज डूइंग दैट एंड द मास्टर माइंड इज द रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुतिन। ठीक है, तो बेसिकली पोलैंड हैज सीन अ सर्ज इन अटेम्प्ट्स टू ब्रीच इट्स बॉर्डर, पुश्ड बैक हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड एशिया। ये लार्जली है कौन, वेस्ट एशिया से कुर्द्स ज़्यादातर ये माइग्रेंट्स हैं। एंड द PM ऑफ पोलैंड हैज अक्यूज द रशियन एंड बेलारूसियन लीडर्स ऑफ ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द यूरोपियन यूनियन।
by allowing migrants to travel through Belarus and enter the bloc. Belarus leader Alexander Lukashenko is basically alleged to do this in revenge for EU sanctions for his regime's crackdown on the opposition. ठीक है, तो ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है. इस कॉन्ट्रोवर्सी में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे. अब देखो, इंडिया सीक्स $1 trillion इन क्लाइमेट फाइनेंस टू मीट इट्स टारगेट. तो देखो, COP26 समिट हुई, उसमें इंडिया ने कुछ टारगेट्स दिए, बट इंडिया ने कहा है कि उन्होंने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं, जो भी COP26 में इंडिया ने फाइव फोल्ड प्लान कमिटमेंट किया है, वो कंडीशनल है. उन्होंने कहा है कि ये तब है जब हमें डेवलप्ड कंट्रीज से $1 trillion की मदद मिलेगी ओवर द नेक्स्ट डिकेड. तो उन्होंने क्या कहा है कि वी वॉन्ट $1 trillion ओवर द नेक्स्ट डिकेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी कीप दिस एज अ कंडीशन फॉर डिलीवरिंग ऑन क्लाइमेट कमिटमेंट्स. बोला अगर आप अपने कमिटमेंट्स पूरे करोगे तो हम हमारे कमिटमेंट्स पूरे करेंगे, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट अस कि हम तो नेट जीरो भी डिक्लेयर कर दें, हम हमारे एनर्जी मिक्स को भी चेंज कर दें और आप उसके लिए कोई सपोर्ट हमें दो ही नहीं. तो हमारा जो फाइव फोल्ड प्लान है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, नेट जीरो 2070 डिक्लेयर कर दिया इंडिया ने. ठीक है, पहले बात हो रही थी कि नेट जीरो कमिटमेंट हम नहीं देंगे, बट फाइनली नेट जीरो कमिटमेंट हमने दिया है. और ना सिर्फ नेट जीरो कमिटमेंट दिया है बल्कि हमने एक फाइव फोल्ड प्लान पूरा दिया है. देखिए फाइव फोल्ड प्लान क्या है. पहला कमिटमेंट, नेट जीरो एमिशंस लेटेस्ट बाय 2070. दूसरा, बाय 2030 इंडिया विल एंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज. यानी अगले 10 सालों में हम कह रहे हैं कि हमारा 50% एनर्जी जो आएगा वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा. इसके अलावा, रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशंस अंडिल 2030 बाय 1 billion tons. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2030 तक हमारा जो कार्बन एमिशन है वो 1 billion ton कम हो जाना चाहिए. 1 billion ton किससे, जो उस समय बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो है, यानी उस समय आज के हिसाब से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होना चाहिए उससे 1 billion ton कम हो जाना चाहिए. रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ GDP बाय लेस देन 45%. ये काफ़ी हद तक हम इसके करीब हैं. इसके अलावा, टू जनरेट 500 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. तो ये ऑलरेडी 450 GW का टारगेट था, ये अब सबको पता है, काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ाया घटाया, इसको 500 GW कर दिया गया. अच्छा, अब ये देखो, चाइना में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, प्लेनम CPC रेजोल्यूशन सीमेंट शी जिनपिंग्स की पोजिशन. प्लेनम की जो इस साल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि बेसिकली शी जिनपिंग को चाइना के ऑल टाइम ग्रेट लीडर्स में माओ जेडोंग, डेन ज़ियोपिंग जैसे लीडर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया और इससे काफ़ी हद तक रास्ता क्लियर हो गया उनके थर्ड टर्म का. जब अगले साल उनका थर्ड टर्म अप्रूव कर दिया जाएगा एंड जो टर्म लिमिट थी वो तो उन्होंने ऑलरेडी ख़त्म कर दी गई थी, तो वो 10 साल से ज़्यादा सर्व करने वाले चाइनीज़ प्रेसिडेंट बन जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अडॉप्टेड द थर्ड हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन. आज तक चाइना में दो ही रेजोल्यूशन अपटॉन किए गए हैं जिनको हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन की श्रेणी में रखा जाता है, विच बेसिकली डिफरेंशिएट्स द पोलिटिकल आइडियोलॉजी. तो थर्ड हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन इन इट्स 100-year हिस्ट्री, 100 सालों के इतिहास में पहले तीसरा रेजोल्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया है. ठीक है, इट एनश्राइंड प्रेजिडेंट शी जिनपिंग्स प्लेस अमंग द पार्टीज टॉलेस्ट लीडर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, एंड बेसिकली बूस्टिंग इज स्टेटस अहेड ऑफ द नेक्स्ट ईयर प्लेनम विच विल मार्क द स्टार्ट ऑफ इज थर्ड टर्म. तो क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा, ये थर्ड हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन था, तो पहले दो रेजोल्यूशन कौन से थे. पहला रेजोल्यूशन था 1945 में जो माओ जेडोंग ने पास किया था, जिसमें स्टालिन का इन्फ्लुएंस कम कर दिया गया था, और 1981 में फिर डेन ज़ियोपिंग ने एक रेजोल्यूशन पास किया गया था विच टर्नड अवे फ्रॉम द एक्सेसेस ऑफ माओइज्म एंड वन मैन पर्सनैलिटी कल्ट. तो ये दो हिस्टोरिकल रेजोल्यूशंस थे, एक माओ जेडोंग ने पास किया था, दूसरा डेंग ज़ियोपिंग ने और तीसरा शी जिनपिंग ने. ठीक है, अच्छा अच्छा, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी. कंट्रोवर्सी थी डिफेंस वर्सेस एनवायरनमेंट. ये बेसिकली चार धाम लेन प्रोजेक्ट के अराउंड थी. अब इसको थोड़ा समझते हैं. हो ये रहा है कि लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में हम चाइना के स्टैंड ऑफ फेस कर रहे हैं और हमें वहाँ तक अपने टैंक्स, मिसाइल्स, इस तरह की चीज़ें पहुँचानी है. रास्ता उत्तराखंड से होते हुए जाता है और दिक्कत यह है कि उत्तराखंड में एक ऑर्डर उन्होंने पास किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चार धाम लेन के अराउंड 5.5 meters से ज़्यादा की विड्थ की रोड्स नहीं हो सकती है. और अगर हमें टैंक वगैरह वहाँ तक लेके जाने हैं तो डिफेंस ये कहता है कि हमें 2 lanes चाहिए, वो भी 7-7 meters की विड्थ की. तो यानी विड्थ अप्रूव्ड 5.5 meters की है, चाहिए 7 meters की. तो उसी पर ये जो है वो पूरी बात हो रही थी, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस, जो गवर्नमेंट ने कहा है वो ये कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट सरेंडर द नेशंस डिफेंस टू थ्रेटन ऑफ लैंडस्लाइड. वहाँ डर ये कि अगर रोड्स ज़्यादा चौड़ी की गई तो हो सकता है लैंडस्लाइड हो जाए.
बट गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया भाई देश रहेगा, डिफेंस रहेगा, आज़ादी रहेगी, तभी तो हम उसको एनवायरनमेंट को देख पाएंगे। ठीक है, अभी आज ये समस्या है कि देश के सामने दुश्मन खड़ा है बॉर्डर पे, तो क्या हम उसको जवाब देने के लिए वहाँ पर सारे रिसोर्सेज हमें पहुँचाने ही पड़ेंगे? यहाँ पर हम लैंडस्लाइड, बारिश, तूफान का खतरा नहीं देख सकते, यहाँ पर हमें सामने जो प्रॉब्लम है उसको फेस करनी पड़ेगी। तो आर्म्ड फोर्सेज के नॉट सरेंडर द नेशंस डिफेंस टू थ्रेट ऑफ लैंडस्लाइड्स कॉज्ड बाय वाइडनिंग ऑफ हिमालयन रोड्स। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि भाई जब को ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं या वज्रा मिसाइल लॉन्चर है या स्मर्च रॉकेट कैरियर्स हैं, इनको अगर आपको वहाँ तक लेकर जाना है तो उसके लिए आपको चौड़ी रोड्स चाहिए, एंड दैट इज़ वाई डिफेंस रिक्वायरमेंट वॉज अ 2-lane road ऑफ 7 meters width, जो मैंने आपको कहा कि 7 meter की width की रोड्स चाहिए। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट ग्रुप था उनकी तरफ से एडवोकेट ने कहा कि रोड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5.5 meter, जो पहले 5.5 meter की लिमिट थी उसको बनाए रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनका एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि अगर आप डबल लेन बनाओगे डिफेंस साइट करते हुए, अगर आपने डबल लेन बनाई 7-7 meter की, तो हो सकता है हिमालय इटसेल्फ फ्रेजाइल हो जाए। और सबसे बड़ा डिफेंस किसी भी कंट्री के लिए माउंटेन्स होते हैं, अगर माउंटेन्स की हेल्थ ही खराब हो गई, अगर माउंटेन्स ही ढह गए, तो फिर आप कैसा डिफेंस कर पाओगे? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व्ड इट्स जजमेंट एज ऑफ नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी वॉर्न्स अगेंस्ट कोल्ड वॉर इन एशिया पैसिफिक। देखो कोल्ड वॉर तो चलो वो नॉर्मल बात है जो चलती रहती है, मेन बात है एपेक समिट हुई, एपेक सीईओ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सीईओ समिट हुई, जिसमें शी जिनपिंग ने वर्चुअली एक वीडियो के थ्रू पार्टिसिपेट करके कहा कि हमें कोल्ड वॉर मेंटालिटी से बचना चाहिए, दो ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ इट। ठीक है, तो हमें जो समझने की बात है वो है कि एपेक का समिट हुआ, एपेक सीईओ समिट, इसको होस्ट किया न्यूजीलैंड ने। हमारे काम के पहले दो फैक्ट्स ये आते हैं, और फिर हम थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप या एपेक जो ग्रुप है वो क्या है। ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 1989 में, 12 मेंबर्स ने इसे फॉर्म किया था, आज की तारीख में तकरीबन 21 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर है नहीं, एशिया और पैसिफिक कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर के एक ग्रुप बना हुआ है, इसका सेक्रेटेरिएट सिंगापुर में है। ठीक है, जैसा मैंने कहा 21 मेंबर्स है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और इसी की सीईओ समिट में चाइना के प्रेसिडेंट ये बात कह रहे थे। अच्छा, अब देखो एक ओबिचुअरी रिलेटेड अपडेट आया, साउथ अफ्रीका के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे एपार्थीड एरा के, जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने एपार्थीड एरा ख़त्म किया, मिस्टर एफ डब्ल्यू डी क्लर्क, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेथ हो गई, इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, इन्होंने और नेल्सन मंडेला ने 1993 में नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था। हालांकि बाद में ऐसा पढ़ने में आता है कि ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा खुश थे नहीं, बट एनीवेज दिस गाय डाइड, एफ डब्ल्यू डी क्लर्क, साउथ अफ्रीका लास्ट वाइट प्रेसिडेंट हु फ्रीड एंटी एपार्थाइड आइकन नेल्सन मंडेला फ्रॉम जेल डाइड। सो ही वॉज द गाय हु फ्रीड नेल्सन मंडेला फ्रॉम जेल ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, तो दोनों के सोचने का तरीका थोड़ा अलग था एनीवेज, बट बोथ ऑफ देम शेयर्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 1993। तो ऐसा डी क्लर्क के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज नॉट एक्चुअली अगेंस्ट रेसिज्म, बट ही सेड दैट रेसिज्म इज नॉट वर्केबल। ठीक है, तो खैर चलो वो तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हो गई, बट एज फैक्ट स्टेट बोथ ऑफ देम शेयर्ड द नोबेल पीस प्राइज एंड दिस गाय डाइड। ठीक है, अब देखो हमने पोलैंड और बेलारूस के बारे में बात की थी, उसी से रिलेटेड एक और अपडेट आया, बेलारूस थ्रेटन्स टू कट गैस टू यूरोप। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो उनके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है कि अगर आपने माइग्रेंट्स को लेकर के हम पे और सैंक्शंस लगाए तो हम आप तक जाने वाली पाइपलाइन जो है, तो रशिया से यूरोपियन यूनियन तक नेचुरल गैस की पाइपलाइन जो है वो बेलारूस से होते हुए जाती है। उन्होंने कहा कि आपने हम पे सैंक्शंस लगाए, हम आपकी गैस सप्लाई काट देंगे। बोला एक तो हम आपके घरों को गर्म कर रहे हैं, बिकॉज नेचुरल गैस इज यूज फॉर हीटिंग होम्स देयर। ठीक है, यूरोप बहुत ठंड पड़ती है गैस, तो बेलारूस के लीडर ने कहा कि बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग यू वार्मिंग एंड यू आर थ्रेटनिंग अस, तो फिर यू नो वी कैन कट ऑफ द ट्रांजिट ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप। तो ये जो रशिया यमएल यूरोप गैस पाइपलाइन है जो ट्रांजिट करती है बेलारूस से होते हुए, इसको डिसरप्ट करने की उन्होंने धमकी दी है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी बातें जो बैकग्राउंड है। अच्छा, पाकिस्तान में ट्रॉयका प्लस मीटिंग के बारे में बात हुई। देखो अफगानिस्तान ऑन ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कॉलेप्स, ये सब तो बातें जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने की कि अफगानिस्तान के हालात बहुत ख़राब है और हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी चाहिए, ये वो सब नॉर्मल बातें जो चल रही है पूरी दुनिया में।
बट ये जो ट्रॉयका प्लस मीटिंग हुई है ये कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है? यूएस, चाइना, रशिया, ऑब्वियसली पाकिस्तान, और फिर इसमें तालिबान के डिप्लोमेट्स भी शामिल हुए. तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुताकी, वो भी शामिल हुए. जो ट्रॉयका प्लस ग्रुप है वो ऑलरेडी आपको पता है यूएस, रशिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में ग्रुप है, और ये अफगानिस्तान के ऊपर ही बना हुआ ग्रुप है. ये अफगानिस्तान को लेकर के बात करता है. तो ये थोड़ा चल भी रहा था न्यूज़ में, हमारे यहाँ जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ग्रुप की मीटिंग हुई अफगानिस्तान को लेकर के, और यहाँ पर ट्रॉयका प्लस मीटिंग हुई. ऑलमोस्ट पैरेलल मीटिंग्स अफगानिस्तान को लेकर के चल रही थी. मीटिंग लेड बाय चाइना, यूएस, रशिया एंड पाकिस्तान ऑन अफगानिस्तान. अच्छा, गल्फ स्टेट्स ने एक नेवल एक्सरसाइज की. देखो, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद UAE, इसराइल और बहरीन में रिलेशंस अच्छे हुए हैं. अभी हाल ही में हमने देखा कि नया क्वाड भी बना, उसमें भी UAE और इसराइल शामिल थे, USA शामिल था, और इस एक्सरसाइज में भी UAE, इसराइल, USA और बहरीन, चार कंट्रीज़ के बीच में अभी नेवल एक्सरसाइज हुई. UAE, बहरीन, इसराइल एंड US नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड इन रेड सी. एक्सरसाइज कहाँ हुई है? रेड सी में. ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक नया इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपडेट. तो देखो अभी एक और अपडेट देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट में जो NGOs को लेकर के एक इशू चल रहा है, ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही है, हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बात की है, जिसमें ये जो फॉरेन NGOs हैं ये FCRA अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के इनकी कुछ नाराज़गियाँ हैं. ऑलरेडी ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, हमने एक बार पहले भी बात किया था, क्योंकि FCRA अमेंडमेंट एक्ट में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो बेसिकली बाहर से आने वाली फंडिंग को रेगुलेट करते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लेकर के जो ये NGOs हैं उनको काफ़ी परेशानियाँ हैं. जैसे एक प्रोविज़न है कि SBI की कैपिटल ब्रांच न्यू दिल्ली में ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. ठीक है, और भी ऐसे प्रोविजंस हैं तो जिनको लेकर के उन्होंने पिटीशन फाइल की है, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछा कि ये जो फॉरेन फंड्स को ओवरसी करने का काम है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को क्यों दिया गया है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्यों नहीं दिया गया? व्हाई इज MHAs बीन आस्क्ड टू मॉनिटर फॉरेन फंड्स फॉर NGOs? तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये जो NGOs हैं ऐसा पाया गया है कि इनको जो फॉरेन फंडिंग मिली है वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में काम में जा रही है, नक्सल ऑपरेशंस को फंड करने में, टेरर ऑपरेशंस को फाइनेंस करने में भी दी जा रही है. इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स आए हैं कि फॉरेन फंड्स एंटरिंग इंडिया वर यूज्ड टू फंड एक्टिविटीज दैट डिस्टेबलाइज नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड दैट इज व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज बेसिकली ओवरसीइंग इट. तो इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिसीविंग फॉरेन फंड्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो ये एक इश्यू चल रहा है FCRA अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के. तो FCRA एक्ट, FCRA अमेंडमेंट्स, ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूर पढ़े, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ. इन सुप्रीम कोर्ट केरला बैट्स फॉर अ न्यू डैम. देखो, मुल्ला पेरियार डैम न्यूज़ में था अभी थोड़े समय पहले, हमने काफ़ी बात की कि वो तमिलनाडु चाहता था 142 फीट पे रहे, केरला चाहता था 139 पे रहे, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 139.5 फीट का जजमेंट दिया. अभी केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहा है कि आप ये डैम की जगह एक नया डैम बनाएं. उन्होंने कहा ये डैम बहुत पुराना हो चुका है, सीज़मिक 3 जोन में है, कोई भी अर्थक्वेक आकर के इसे हिला सकता है, डैम की कंडीशन भी बहुत पुरानी है, 126 साल पुराना डैम है. इतने पुराने डैम से केरला को बहुत खतरा है, क्योंकि केरला डाउन स्ट्रीम आता है, तमिलनाडु अप स्ट्रीम है. तो अगर कल को डैम को कुछ होता है तो केरला में आप सोच भी नहीं सकते उतना लॉस हो सकता है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी विक्टोरिया डैम के साथ ऐसा हो चुका है कि जिसमें उसे डीकमीशन करके नया डैम बनाया गया. ठीक है, और इंडिया में भी ये काम कर देना चाहिए, ऐसा अपील उन्होंने किया है. तमिलनाडु कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केरला कहता है कि इसकी ज़रूरत है, और ठीक है ये बात चल रही है अभी. तो ये भी एक चीज़ मुल्ला पेरियार डैम के आपके नोट्स में आप ऐड कर सकते हो. मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हमने बात की थी कि डैम है केरला में बट ऑपरेट तमिलनाडु करता है बिकॉज ऑफ एन एग्रीमेंट यू नो विच हैज़ बीन एंटर्ड इन टू बाय द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर बिटवीन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. अच्छा, पद्मा अवार्ड्स दिए गए अभी राष्ट्रपति भवन में. तो हमें पता है कि जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उनमें सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, जो 2019 के बाद दिया नहीं गया किसी को, और उसके बाद फिर आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री. तो इस साल तकरीबन 119 पद्म अवार्ड्स दिए गए, उनमें से 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री है. तो पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बट पद्म विभूषण जो 7 लोगों को मिले हैं एटलीस्ट वो हमें याद हो जाने चाहिए.
तो शिंजो एबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एसपी बाल सुब्रमण्यम वेरी फेमस सिंगर, उन्हें आर्ट कैटेगरी में सम्मानित किया गया। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, इन्हें मेडिसिन की फील्ड में सम्मानित किया गया, ये बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं। फिर नरेंद्र सिंह कपानी, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स इन्वेंट किया था, उन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में सम्मानित किया गया, यूएस बेस्ड साइंटिस्ट। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। फिर बीबी लाल, जिन्होंने राम जन्मभूमि का एक्सकेवेशन किया था, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, उनको सम्मानित किया गया। सुदर्शन साहू, जो बहुत फेमस स्कल्प्टर हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। ये पद्म विभूषण अवार्डीज हैं, इनके नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, नए नेवल चीफ, अभी हमने थोड़े टाइम पहले नए एयरफोर्स चीफ के बारे में बात की थी कि विवेक राम चौधरी नए एयरफोर्स चीफ बने, और अब नेवल चीफ जो नए हैं वो आ गए हैं। तो करमबीर सिंह जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं 30 नवंबर को। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह इज रिटायरिंग। तो नए जो चीफ हैं वो हैं आर हरी कुमार। ठीक है, आर हरी कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसका एक नोट आप बिल्कुल बना लें। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव GMC 2021 अभी हुआ। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में 12 इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज के नेवल चीफ्स ने पार्टिसिपेशन दिया, और इट वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, और उसमें काफ़ी कुछ बातें हुई मैरीटाइम स्ट्रेटजी को लेकर के, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए, जैसे हमने अपने जो सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल्स है वो दिखाए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव बींग होस्टेड अंडर द एजिस ऑफ नेवल वॉर कॉलेज गोवा। थीम इसकी देख लेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर इंडियन ओशन रीजन नेवीज। जैसा मैंने कहा कि 12 इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट फ्रॉम बांग्लादेश टू मॉरिशस टू मालदीव, सेशल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, एवरीवन। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने अपने जो DSRV हम कहते हैं, DSRV इज बेसिकली सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटी, तो इसको हमने प्रदर्शित किया। ऑलरेडी 2 DSRVs हमने UK से परचेज किए, जिनमें से पहला वन हमने 2018 में ऑपरेशनलाइज किया था मुंबई में, दूसरा विशाखापट्टनम में ऑपरेशनलाइज किया गया 2019 में। मैक्सिमम डेप्थ 650 मीटर तक वो रेस्क्यू व्हीकल जा सकता है, और 14 लोगों को एक साथ ऊपर लेकर के आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा सिंगापुर के साथ हमने ऐसा पैक्ट साइन किया है, तो वी हैव साइंड अ पैक्ट विद इंडिया सिंगापुर टू एक्सचेंज प्रैक्टिसेस ऑन सबमरीन रेस्क्यू एंड डिस्कशंस, एंड वी ऑल्सो साइंड अ डिक्लेरेशन ऑन कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज़। ये GMC 2021 के बेसिकली हाइलाइट्स रहे, आप ये नोट बना सकते हैं। अच्छा, एक न्यूज़ ये आया कि चाइना ने पाकिस्तान को एक वॉरशिप एक्सपोर्ट किया है, जिसे अल्टीमेटली इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा। देखो, ये जो वॉरशिप है इसे चाइना का अभी तक का सबसे एडवांस्ड वॉरशिप एक्सपोर्ट कहा जा रहा है, बड़ा एडवांस्ड सिस्टम्स हैं इसमें, और इस वॉरशिप को नाम दिया है पाकिस्तान ने PNS तुगरिल। ठीक है, तो फ्रिजेट चाइना में इसका नाम था टाइप 054A फ्रिजेट, जिसे पाकिस्तान ने नाम दिया PNS तुगरिल। इसे चाइना के स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने बनाया, और इसे उनका मीडिया कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड चाइनीज वॉरशिप एवर एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो ये चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, वंस अगेन सिग्नलिंग द अलायंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, एंड बेसिकली एम्पावरिंग पाकिस्तान टू काउंटर इंडिया। ठीक है, तो वो तो चल ही रहा है। अच्छा, देखो, अभी रफाल डील वापस से कंट्रोवर्सी में आ गई है। क्यों कंट्रोवर्सी में आ गई है? क्योंकि एक फ्रेंच मीडिया ग्रुप है, मीडिया पार्ट, जिसने ऐसा आरोप लगाया है कि जो डसॉल्ट एविएशन थी, जिसने रफाल इंडियन गवर्नमेंट को सप्लाई किए, उन्होंने एक मिडलमैन सुहेश सेन को पैसा दिया। ठीक है, और एज किकबैक्स बेसिकली टू गेट द डील। ठीक है, तो ऑलरेडी रफाल को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे भी दिया है कि कोई करप्शन नहीं हुआ था। ठीक है, बट फ्रांस में अभी तक इस पर कार्रवाई चल रही है, इनफैक्ट देयर विल बी अ जज हु विल लुक आफ्टर दीज एलिगेशन इन फ्रांस। तो फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट हैज एलिग्ड दैट डसॉल्ट पेड 7.5 मिलियन यूरोज टू मिडलमैन सुशेन गुप्ता फ्रॉम 2007 to 2012। ठीक है, 2007 से 2012 के बीच में उनको ये ब्राइब्स दी गई बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली बड़ा, मतलब अगर आप रफाल डील के बारे में पढ़ोगे, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डील वैसे भी रही है। इनिशियली कुछ 126 एयरक्राफ्ट सप्लाई होने थे, बाद में सब कुछ ऊपर नीचे हुआ करके डील ही पूरी सी
दोबारा रीस्ट्रक्चर की गई, फिर 36 एयरक्राफ्ट की डील हुई, उस पर भी आरोप लगे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। ठीक है, तो ये इनका मीडिया पार्ट का आरोप है कि सीबीआई के पास सबूत होने के बावजूद सीबीआई ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। ठीक है, तो बेसिकली वी परचेज 36 फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर अराउंड 7.87 बिलियन यूरोज फ्रॉम फ्रांस डसॉल्ट एविएशन, और दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रफेल डील को अपहेल्ड किया था। उन्होंने कहा था इट इज़ फ्री फ्रॉम इरेगुलरिटीज एंड करप्शन, और 14 नवंबर 2019 को उन्होंने पिटीशंस को भी खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा अर्लियर डिसीजन है 2018 का वो फाइनल है, एंड वी डू नॉट सी एनी इरेगुलरिटी और करप्शन इन केस ऑफ रफेल डील। अच्छा, यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हाल ही में श्रीनगर को अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है। ठीक है, और इस तरह की कैटेगरी में शामिल होने की, उन्हें क्राफ्ट एंड फोक कैटेगरी में शामिल किया गया, तो क्राफ्ट एंड फोक कैटेगरी में वो दूसरा शहर है जो शामिल हुआ है। इससे पहले सिर्फ जयपुर को शामिल किया गया था हिंदुस्तान से। वैसे इस क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अभी तक 6 शहरों को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज पिक्ड श्रीनगर अमॉन्ग 49 सिटीज, तो अमॉन्ग 49 सिटीज एज पार्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। ठीक है, और बेसिकली दिस विल गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू श्रीनगर बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट ऑन अ ग्लोबल स्टेज। ठीक है, तो जो 7 कैटेगरीज में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है वो 7 कैटेगरीज में सिटीज को नॉमिनेट करता है। इसमें क्राफ्ट एंड फोक आर्ट है, मीडिया आर्ट्स है, फिल्म डिज़ाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है, म्यूजिक है। ठीक है, तो अभी तक क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में जिसमें श्रीनगर को शामिल किया गया, सिर्फ जयपुर को जगह मिली थी 2015 में। इसके अलावा वाराणसी और चेन्नई को म्यूज़िक की कैटेगरी में 2015 और 2017 में रेस्पेक्टिवली नॉमिनेट किया गया है। मुंबई को फिल्म्स की कैटेगरी में 2019 में शामिल किया गया था, और हैदराबाद को फूड की कैटेगरी में, गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में 2019 में शामिल किया गया था। श्रीनगर अभी लेटेस्ट हो गया, जिसे 2021 में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, ये उन शहरों को शॉर्टलिस्ट करता है जो अपनी कल्चरल हेरिटेज को बेसिस बना के डेवलप करते हैं। ठीक है, जिन शहरों का जो कोर है वो उनके कल्चरल हेरिटेज में छुपा हुआ है, तो श्रीनगर को ऐसा एक सिटी माना गया है और उसके क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स को सेंट्रल थीम माना गया है उसके डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, सो दिल्ली में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में जीका के केसेस मिले और दिल्ली को भी हाई अलर्ट पे सेट किया गया। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय में दिल्ली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। ठीक है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, बल्कि आप उसके सराउंडिंग में देखें तो अभी डेंगू एंड देन जीका एंड वॉट नॉट। ठीक है, तो जीका वायरस के कुछ केसेस उत्तर प्रदेश में मिले और उसके बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पे सेट किया गया। और हमें हमारे पर्सपेक्टिव से जो देखना है वो ये देखना है कि जीका वायरस के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो विद द राइज इन नंबर ऑफ जीका वायरस केसेज इन उत्तर प्रदेश, बेसिकली ये सारी चीज़ें हुई हैं, दिल्ली हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन अलर्ट। ठीक है, जीका वायरस जो है ना, वो इनिशियली युगांडा में पाया गया था, मंकीज़ में। ठीक है, उसके बाद फिर तंजानिया में और युगांडा में, हिंदुस्तान इंसानों में भी मिला। ठीक है, तो इसका आज की तारीख में कोई वैक्सीन या ड्रग अवेलेबल नहीं है जो स्पेसिफिकली जीका वैक्सीन को ट्रीट करने के लिए, जीका वायरस को ट्रीट करने के लिए बना हो, तो दैट मेक्स इट मोर डेंजरस। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा इन 1947 इन मंकीज, लेटर 1952 में युगांडा में और तंजानिया में ह्यूमंस में भी मिला। ठीक है, प्राइमरली जो इसका कैरियर है वो एडिस इजिप्टिस मॉस्किटो है, फीमेल एडिस इजिप्टिस मॉस्किटो, जो अगर आपको याद हो तो डेंगू, चिकनगुनिया, इन सारी बीमारियों को फैलाने में भी, या येलो फीवर को फैलाने में भी जो चीफ कैरियर होता है, वही जीका वायरस भी फैलाता है। ठीक है, इससे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो बच्चे न्यूबॉर्न में माइक्रोसेफेली नाम की बीमारी हो सकती है, टेम्परेरी पैरालिसिस हो सकता है। तो जीका वायरस जो है, इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें रैश काफ़ी हद तक जनरली रहता है, अपार्ट फ्रॉम द अदर सिम्टम्स। ठीक है, अच्छा देखते हैं। अब देखो, बेसिकली पिछले कुछ टाइम में आपने अक्टूबर में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स पे डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टाफ और गाइडलाइंस जारी की थी, ताकि जो लोग डिसेबल्ड हैं उन लोगों के लिए जो एयर जर्नी है वो आसान हो। अभी एक और काम उन्होंने किया है, वो ये किया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर डिसेबल्ड लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए स्टाफ को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, अब ये स्टाफ ग्रास रूट लेवल से लेकर के सीनियर ऑफिसर्स तक शामिल है। ठीक है, इनमें आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स से लेकर के सीनियर
आपके ग्रेड ए ऑफिसर्स भी शामिल हैं, ठीक है, और इनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, इनके लिए बकायदा ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट फंक्शनरीज फ्रॉम आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स टू सीनियर ऑफिसर्स एंड एमपीज एट द नेशनल लेवल विल बी ट्रेन्ड एंड सेंसिटाइज्ड रिगार्डिंग स्कीम्स एंड फैसिलिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स है अंडर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, ये 5 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रिलीज करेगा इन लोगों को ट्रेन करने के लिए। और इसकी जो नोडल अथॉरिटी रहेगी, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाएगी, वो होगी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इट वुड बी द नोडल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट द ट्रेनिंग सेशंस, ठीक है। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो बनाए गए हैं सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं, इनको इंग्लिश और हिंदी में ऑलरेडी बना लिया गया है, और इनको 7 अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो लोग एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल पर हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं है अगर इंग्लिश और हिंदी के साथ, तो उनको ट्रेन किया जा सके इन रीजनल लैंग्वेजेस में। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए 2.5 दिन के सेशंस रहेंगे, स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपल्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए 1 दिन के सेशंस रहेंगे, और जो एकदम ग्रास रूट पे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं उनको 2 दिन के सेशंस में इन मॉड्यूल्स पे ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। सो अगेन आई मीन अ गुड इनिशिएटिव, बट डिपेंड्स अपॉन द एग्जीक्यूशन एज ऑलवेज कि कितना अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया है, उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एंड होपफुली यू नो इट एक्चुअली क्रिएट्स अ डिफरेंस फॉर पीपल इन द गवर्नमेंट। अच्छा देखो, ये अक्टूबर में भी क्राइसिस न्यूज़ में था, अगर आपको याद हो तो चाइना ने श्रीलंका के बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, और ये फर्टिलाइज़र रो के केस में ये किया गया था। अब ये कहानी ऐसी है कि बेसिकली श्रीलंका में एक कंपनी है सिलोन, और इसने चाइना से कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स मंगवाए, और जब कंसाइनमेंट आया तो उसे जब चेक किया गया तो उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए गए, उसके में कुछ ऐसे पैथोजेंस पाए गए जो कि क्रॉप फेलियर कर सकते थे, तो उस कंसाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उस कंसाइनमेंट के अगेंस्ट पेमेंट भी नहीं किया गया। तो जिस बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था, जो चाइना का जो श्रीलंका का बैंक था जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था और जिसको पेमेंट करना था, जब उसने पेमेंट नहीं किया तो चाइना गवर्नमेंट ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो ये तो बैकग्राउंड है। अभी जो चाइना की जो कंपनी थी जिसने ये फर्टिलाइजर्स भेजे थे, किंगडाओ सीविन करके कंपनी थी, उसने इनफेक्ट केस कर दिया है उस श्रीलंकन बेसिकली एजेंसी पे जिसने ये कंसाइनमेंट चेक किया, उसने कहा कि इन्होंने नेग्लिजेंस की है और हमें $8 million का जो नुकसान हुआ है वो ये भर के दें। तो चाइनीज कंपनीज इज सीकिंग डैमेजेस फ्रॉम अ श्रीलंकन गवर्नमेंट एजेंसी जिसने ये पूरी चेकिंग की फॉर रिजेक्टिंग अ शिपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फाउंड टू अ पैथोजेंस। तो इन्होंने $8 million को कॉम्पनसेशन मांगा है। इन्होंने कहा कि हमने एक थर्ड पार्टी से चेक करवाया, सारा कंसाइनमेंट ठीक है, आप ज़बरदस्ती पे इसको कर रहे हो। तो जो नेशनल प्लांट क्वारंटीन सर्विस थी जिसने ये बाकायदा कंसाइनमेंट कैंसिल किया था क्वालिटी चेक करके, उसके ऊपर $8 million का इन्होंने मुकदमा ठोक दिया, ठीक है। तो इसमें एक अर्विनिया बैक्टीरिया पाया गया था विच कैन कॉज क्रॉप फेलियर, ये कहकर इन्होंने कैंसिल कर दिया गया था सिलोन फर्टिलाइजर कंपनी ने ऑर्डर, और पेमेंट भी नहीं की थी, जिसको लेकर के फिर चाइना ने श्रीलंका के बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो ये चाइना श्रीलंका थोड़ा सा एक और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की लिस्ट में इसको भी एक ऐड कर लो आप। अच्छा, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन डेट इश्यूड बाय इन्वेट्स एंड RIIT। देखो, इफ़ यू रिमेंबर, हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पढ़ा था और उसमें हमने बात की थी कि इन्वेट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अभी इसको लेकर के नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया, तो और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो डेट सिक्योरिटीज इन्वेट्स और RIIT इश्यू करती हैं उसमें पहले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इशू नहीं कर सकते थे, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, बट अब वो अप्रूव कर दिया है। तो विदेशी कंपनीज जो हैं वो बेसिकली एक तरीके से इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है थ्रू FPIs एंड इन्विट्स, उनकी जो डेट सिक्योरिटीज़ है उनमें इन्वेस्ट करके। तो FPIs हैव बीन परमिटेड टू इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज इशूड बाई इन्विट्स एंड RIIT। मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने पैसा उधार लिया, तो वो पैसा अब फॉरेन कंपनीज से पैसा उधार ले सकती है। पहले ऐसा था कि वो फॉरेन कंपनीज से पैसा उधार नहीं ले सकते थे, अब दे कैन टेक मनी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड देन दे कैन यूटिलाइज दिस मनी टू इन्वेस्ट इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था और नाउ इट हैज़ बीन अप्रूव्ड। अच्छा, तो जो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं दिल्ली के आसपास, पंजाब हरियाणा एंड ऑल,
उन सबकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, क्योंकि स्टबल बर्निंग की वजह से, दिल्ली हमेशा क्या कहता है कि स्टबल बर्निंग की वजह से हमारे यहाँ पॉल्यूशन है। वैसे तो भाई साहब हमने पूरा एनवायरनमेंट क्लीन ही करके रखा हुआ है, ठीक है, हालांकि स्टबल बर्निंग बहुत बड़ा फैक्टर है, बट दिवाली के आसपास बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स भी था, बहुत सारे रीजंस की वजह था, जिसकी वजह से आज की तारीख में दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, ये आप सबको पता है ना। तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 पे पहुँच गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कन्वीन एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ ऑल एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स टू डिस्कस द इश्यू ऑफ पॉल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम स्टबल बर्निंग। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिमेन इन द सीवियर कैटेगरी विद अ स्कोर ऑफ 428। अब आपके काम का क्या है इसमें, आपके काम का यह कि आपको बैकग्राउंड पढ़ना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। तो हमारा जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2014 में लॉन्च हुआ था, और इसकी जो थीम थी वो थी वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन, मतलब सिर्फ नंबर देख के या कलर देख करके आपको पता चल जाए कि एयर क्वालिटी क्या है, ठीक है। इसे डेवलप किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने IIT कानपुर के साथ मिलकर, और तकरीबन 8 पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इस इंडेक्स में नापा जाता है। तो हवा में फॉर एग्जांपल पर्टिकुलेट मैटर 10 कितना है, 2.5 कितना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी है, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, ओजोन कितना है, अमोनिया कितना है और लीड कितना है, इनकी क्वांटिटी के बेसिस पे एयर क्वालिटी डिफाइन होती है और फिर उसे नापा जाता है, और इस तरीके से 6 कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो अगर एयर क्वालिटी 0 to 50 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो गुड मानी जाती है। अभी दिल्ली का स्कोर कितना था, 428, तो 401 से 500 की रेंज में, मतलब सीवियर, बहुत बुरी एयर क्वालिटी, बहुत ख़राब जहरीली हवा बह रही है, ऐसे हालातों को सीवियर कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। हरियाणा लॉ ऑन हायरिंग कॉजेज कंसर्न। देखो अभी कुछ टाइम पहले हमने बात की थी कि झारखंड ने इस तरह का लॉ पास किया था जिसमें 75% रिजर्वेशन था प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में उन लोगों के लिए जो लोकल्स थे। उसी तरह से हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक लॉ पास किया हुआ है जिसमें उन्होंने 30,000 रुपये से कम की सैलरी की जॉब्स में, 30,000 से कम की सैलरी की जॉब्स में 75% कोटा दिया है लोकल्स को, ठीक है। अब देखो जब आप प्राइवेट सेक्टर में कोटा की बात करते हो ना, तो आप एक तरीके से इट्स नॉट अ बिजनेस फ्रेंडली मूव। आप किसी बिजनेस को कहो कि आप उन लोगों को हायर करो जिनको मैं बता रहा हूँ, तो अपने आप में किसी भी बिजनेस के लिए एक हेल्दी प्रोपोजिशन नहीं है। बिजनेस मैन किसको हायर करना पसंद करता है, जो उसे प्रॉफिट दे सके। आप रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर में लगा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जहां आप लगाते हो वहां पर ये बिल्कुल समस्या या चांसेस रहते हैं कि गवर्नमेंट फिर कोई बिजनेसमैन वहां बिजनेस करना ना पसंद करे और किसी और जगह बिजनेस पसंद करना करे जहां पर उसको ये पूरी आज़ादी मिलती है कि वो किसे हायर करे या किसे फायर करे, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट लॉ टू रिजर्व 75% जॉब फॉर लोकल्स जो कि जनवरी 15 से किक इन करने वाला है, उसमें डर ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो हरियाणा छोड़ करके किसी और स्टेट में चले जाएंगे। बैन ऑन इटालियन फर्म लिंक टू ऑगस्टा स्कैम। देखो ऑगस्टा वेस्टलैंड डील अगर आपको याद हो तो हेलीकॉप्टर्स को लेकर के डील थी जो UPA के टाइम पे हुई थी और काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही थी, फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल भी कर दी थी। तो जिस फर्म के ऊपर आरोप था कि उसने इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन मिडिलमैन को पैसा प्रोवाइड करवाया, उस फर्म को बैन कर दिया गया था और उस फर्म पे हाल ही में BJP ने बैन हटा लिया है जिसको लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो हम इस अपडेट के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लिफ्ट इट्स बैन ऑन इटालियन डिफेंस कंपनी इन्वॉल्व्ड इन ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील। कौन सी फर्म है, पहले इसका नाम था फिनमेकैनिका, आज की तारीख में इसका नाम हो गया लियोनार्डो स्पा, ठीक है। तो लियोनार्डो फिनमेकैनिका से इसका नाम हो गया लियोनार्डो स्पा, ठीक है। बैन क्यों लिफ्ट किया गया, क्योंकि नेवी को कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस कंपनी के थ्रू पूरी हो सकती है। हैवी वेट टॉर्पिडोज नेवी को मिल सकते हैं इस कंपनी से, दैट इज़ वाई ये बैन हटाया गया, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। ऑगस्टा वेस्टलैंड जो है वो ब्रिटिश आर्म है इटालियन फर्म फिनमेकैनिका की। तो हाल ही में G20 समिट हुई थी और G20 समिट के साइडलाइंस में इटली में ही हुई थी, रोम इटली में, वहीं उनकी साइडलाइंस में डिसीजन लिया गया। तो ऑगस्टा वेस्टलैंड जो है वो ब्रिटिश आर्म है इटालियन फर्म फिनमेकैनिका की, जिसके ऊपर से ये बैन हटा लिया गया है। तो 2010 में डील हमने की थी, 12 हेलीकॉप्टर 3600 करोड़ रुपए में हम लेने वाले थे, बट उसके बाद ऐसा आरोप लगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड को ये डील दिलवाने के लिए उसमें जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स थी उनको ट्वीक किया गया, कैबिन हाइट वगैरह चेंज की गई और अलग अलग प्रोविजंस चेंज किए गए ताकि ये जो हेलीकॉप्टर जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑगस्टा वेस्टलैंड को दिया जाए, ठीक है। और इंडिया में तो स्कैम अनकवर होना नहीं था, ये इटली में अनकवर हो गया। इटली में इसके ऊपर जांच चली, 2013 में CEO को अरेस्ट कर लिया गया ऑगस्टा वेस्टलैंड के, और जब पूरी दुनिया में पता ही चल गया
कि भैया ये तो डील स्कैम थी, तो फिर इंडिया में भी 2014 में इसे कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद उस समय के जो एयरफोर्स चीफ थे एसपी त्यागी, इनको अरेस्ट किया गया और ऐसा आरोप उन पर लगा कि उन्होंने ही ये पैरामीटर्स चेंज किए थे। और जो बिचौलिए थे, तीन इसमें मिडलमैन थे शामिल, उनमें से एक मिडलमैन को हम यूएई से एक्सट्राडाइट कर पाए 2018 में, क्रिश्चियन मिशेल था, फिर गीडो हैस्चे थे, फिर कार्लो गेरोसा थे। इन तीन मिडलमैन में से क्रिश्चियन मिशेल को हम यूएई से एक्सट्राडाइट कर पाए 2018 में, बट अभी भी कोई फाइनल लीड हमें वहाँ से नहीं मिल पाई है कि हु वॉज द अल्टीमेट गाय बिहाइंड दिस एंटायर स्कैम। बट एनीवेज दो न्यूज़ है वो ये है कि वो जो कंपनी इसमें शामिल थी, वो कंपनी जिसे हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उस कंपनी को हमने वापस से बैन हटा लिया है। अच्छा, आज का लास्ट अपडेट देखेंगे अब। अबू धाबी गवर्नमेंट गिव्स नॉट टू नॉन मुस्लिम सिविल मैरिज। देखो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम मैरिज पहले होती नहीं थी, होती थी, बट अबू धाबी में अभी तक ये जो मैटर्स हैं मैरिज का, डिवोर्स का, चाइल्ड कस्टडी का, ये जो सिविल मैटर्स हैं वो शरिया प्रिंसिपल से चलते थे। अब उन्होंने एक नॉन शरिया सिविल लॉ बनाया। देखो यूएई बहुत लिबरल कंट्री है, और लिबरल कंट्री जितनी है उससे भी ज़्यादा वो खुद को प्रोजेक्ट करती है लिबरल कंट्री, ठीक है, क्योंकि इट बिलीव्स इन कंपीटिंग विद द बेस्ट, है ना। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो कंट्री है वो लिबरल है, और जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं हम उनके लिए एक सेपरेट सिविल लॉ बनाया, हमने इतना लिबरल लॉ है, इट कैन कम्पीट विद द बेस्ट। हम उनके लिए सेपरेट कोर्ट भी बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें इंग्लिश और अरेबिक में बात हो सकेगी, और ये जो सेपरेट लॉ इट्स विल बी अ सिविल लॉ। तो इन्होंने कहा है कि नॉन मुस्लिम्स विल बी अलाउड टू मैरी, डिवोर्स एंड गेट जॉइंट चाइल्ड कस्टडी अंडर सिविल लॉ इन अबू धाबी। अर्लियर पर्सनल स्टेटस लॉज ऑन मैरिज एंड डिवोर्स हैड बीन बेस्ड ऑन इस्लामिक शरिया प्रिंसिपल्स, बट नाउ देर विल बी अ न्यू लॉ एंड अ न्यू कोर्ट टू हैंडल नॉन मुस्लिम फैमिली मैटर्स विल ऑल्सो बी सेटअप इन अबू धाबी, विच विल ऑपरेट इन बोथ इंग्लिश एंड अरेबिक। तो ये एक और लिबरल स्टेप यूएई गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हुई अपनी टिपिकली नवंबर 8 टू 12 के पीरियड के लिए हमारी बात हुई है। नेक्स्ट वीक हम इससे आगे के स्टेप्स लेकर के आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।